जशपुर जिले के पत्थलगांव जनपद की तिलरेडा ग्राम पंचायत में दो महिला पंचायत प्रतिनिधियों के बीच लंबे समय से विवाद जारी है, जिसके कारण वर्तमान कार्यकाल में 7 बार सरपंच को बदला जा चुका है। इस वजह से ग्रामीणों को बिजली, पानी, सड़क और निःशुल्क राशन के लिए जूझना पड़ता है। तिलडेगा ग्राम पंचायत की निर्वाचित महिला सरपंच रायमुनि लकड़ा के निर्वाचन को इंदुमती सिदार ने चुनौती दी है। अब यह मामला कोर्ट में है और SDM कोर्ट से उच्च न्यायालय तक जा पहुंचा है। महज एक कार्यकाल में 7 बार महिला सरपंचों का तबादला हुआ। सरपंच रायमुनि लकड़ा का कहना है कि बार बार कार्यभार बदलने से मतदाताओं के वायदों को पूरा वो नहीं कर पाती हैं। तो वहीं इंदुमती सिदार ये कहती है कि मतगणना के समय वोटों की गिनती में चूक हुई है, इस वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। वहीं जनपद CEO पवन पटेल का कहना है कि महिला सरपंच का विवाद के चलते विकास कार्यों को लेकर परेशानी हो रही है। दिक्कत तो नहीं हो रही है, सभी देखते हैं सब काम को। पहले तो तीसरा चल रहा है, आपको कैसे हटा दिया जाता है? यहाँ SDM कोर्ट में आते हैं तो हटा देते हैं। 2020 में चुनाव हुआ था, उसके बाद में हम लोग जीते थे, फिर वो विपक्ष वाली थी ना, वो 2020 में चुनाव हुआ, उसके बाद में मैं सरपंच बनी, फिर हमारे विपक्ष थे वो विरोध किए, फिर से मतलब हाई कोर्ट जाकर गणना किए, फिर वहां से फिर हम लोग फिर से जीते। इस लगभग 7 बार सरपंच वहाँ अदलबदली हुए हैं, हाई कोर्ट में क्या आदेशानुसार उसको कार्रवाई की जाती है। विकास कार्य की बात करें तो तत्कालीन समय में थोड़ा सा विकास कार्य प्रभावित होता है, लेकिन सचिवों से बात कर सभी विकास कार्यों को तत्परता से कराने के लिए निर्देश दिया जाता है और कार्य उतने बाधित नहीं हो रहे हैं। तत्काल में थोड़ा समय के लिए जब तक सरपंच के नमूना हस्ताक्षर न चेंज हो जाए तो थोड़ा सा बाधित होती है।